पीएम मोदी के गोद लिए गांव में भूख से पीड़ितों पर स्टोरी करना पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर भारी पड़ गया। सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी नाम की एक महिला ने सुप्रिया के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। माला के मुताबिक सुप्रिया ने अपनी स्टोरी में उनकी गरीबी और जाति का मजाक उड़ाया है और जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। दरअसल 8 जून को सुप्रिया शर्मा ने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया गया था कि पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव को गोद लिया है वहां लॉकडाउन के दौरान लोग भूख से परेशान रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस गाँव में लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था, जबकि यूपी सरकार ने 17 को राशन कार्ड के बिना भी जरूरतमंद लोगों को राशन किट दिए जाने की घोषणा की थी। इस स्टोरी के आधार पर सुप्रिया के खिलाफ आईपीसी धारा 369 और 501 के अलावा आपको बता दें SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां आपको बता दें कि पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विनोद से जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तो पत्रकार सुप्रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है विनोद, पीएम मोदी के गोद लिए गांव के ऊपर उन्होंने एक स्टोरी की थी, एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है और सुप्रिया शर्मा से अगर आपकी बात हुई तो उस पर उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है सामने? जी देखिए, बिल्कुल ये पहली बार नहीं है जब पत्रकार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ हो। इसके पहले फतेहपुर और मिर्जापुर में जब एक बड़ा स्कैंडल का पर्दाफाश किया था रिपोर्टर ने, तो इसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। अब जो सुप्रिया है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया चूंकि प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव है, वहां पर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है, अभी भी जूझ रहा है, तो वहां पर तमाम चीज प्रवासी मजदूर वहां पर आ रहे थे, वहां के गांव के लोग परेशान थे, उस हालात को दिखाने के लिए सुप्रिया वहां पहुंची थी। तमाम बातें उन्होंने कही है कि गांव की जो स्थिति है, चूंकि प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है तो वहां पर जो वहां सुविधाएं होनी चाहिए उस लेवल की है कि नहीं है, तो इन तमाम बातों का जिक्र सुप्रिया ने उस अपनी स्टोरी में की है। क्योंकि एक वेबसाइट की पत्रकार है, महिला पत्रकार है सुप्रिया, तो उन्होंने वहां पर जाके स्टोरी को कवर किया और लोगों के जो हालात है उस गांव के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गांव है गोद लिया हुआ, वो तो वहां पे तमाम बातों का उसने जिक्र किया है। तो उसी बातों में इसके एक महिला है जो वहां पर उसी डुमरिया की रहने वाली, उन्होंने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि इस पूरे विषय पर जो जांच अधिकारी जो आईओ है उनका कहना है कि अभी इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, अभी कोई कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जो सुप्रिया है उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। इसके पहले भी कई पत्रकारों पर रिपोर्ट जिस तरह से दर्ज की गई थी, छानबीन किया गया, उनको परेशान किया गया। तो अब सुप्रिया की बारी है कहीं ना कहीं, अब जो चौथा स्तंभ है पत्रकार है, जो उनके ऊपर एक तरह की दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से लोगों की जो खबरें अपने संस्थान के माध्यम से लाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह के FIR दर्ज किए जाते हैं या दूसरी तरीके से उनको परेशान किया जाता है। बिल्कुल विनोद, इसी मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, अपने दर्शकों को बता दे, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर केस दर्ज करने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार मुकदमा दर्ज कर सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार FIR करके सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती, जमीन पर इस आपदा के दौरान घोर अव्यवस्थाएं हैं, सच्चाई दिखाने से इनमें सुधार संभव है, लेकिन यूपी सरकार पत्रकारों पर, पूर्व अधिकारियों पर, विपक्ष पर सच्चाई सामने लाने के लिए FIR करवा दे रही है जो शर्मनाक है। इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गांव पर रिपोर्ट के चलते एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी की, चाहे दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, ये जहां इसकी विफलताओं का किसी ने चित्रण कर दिया तो वो इसे अपना बैरी समझती है और इस पे झूठे मुकदमे लगा के बंद कर देती है, चाहे वो पत्रकार हो और चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो। कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के साथ ऐसा सलूक किया गया, लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, जबकि पत्रकारों और प्रतिपक्ष के नेताओं का यही सबसे पहला नैतिक कर्तव्य है कि वो जहां कोई कमियां हैं, जहां सरकार की कुछ विफलता है, उसे उजागर करें जिससे सरकार को इसकी जानकारी हो और सरकार उसे दुरुस्त कर ले।
ये सरकार के पक्ष की ही बात उठाई जाती है कि आपकी व्यवस्था में ये कमी है, कृपया आप इसे ठीक कर दें। और सरकारें लोकतंत्र में ये अधिकार है सबका भी, पत्रकार का भी, और सरकारों ने अभी तक इस तरह के उठाए गए मुद्दों से लाभ उठाया है और लाभ उठाते उसे दुरुस्त किया है। लेकिन ये सरकार इसे निंदा पसंद नहीं है, इसकी कोई सच्चाई कोई उजागर करे उसे पसंद नहीं है। उसी के चलते यूपी में दर्जनों पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखाए गए, सैकड़ों कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए, महीनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल में रखा गया। तो ये विचारधारा या इस तरह की नीति, धाराशाही नीति है, इसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, नेता समाजवादी पार्टी में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये पहला मौका नहीं है जब यूपी पुलिस ने किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हो। लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा 55 पत्रकारों के ऊपर या तो मुकदमा दर्ज किया गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब सुप्रिया शर्मा जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए एक गोद लिए गए एक गाँव पर एक स्टोरी करती है और उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल समाज के अंदर में खराब करना चाहती है, डरा के एक राज करना चाहती है कि आप पत्रकार पे भी आप एफआईआर कर देंगे, आईएएस ऑफिसर पे भी एफआईआर कर देंगे, नेता पे भी एफआईआर कर देंगे, आम जनता पे भी एफआईआर कर देंगे। मतलब आप चाहते हो कि आप लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए, कोई आवाज ना निकाले। तो ये तो स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आप लोगों को डरा के अपनी सत्ता की हनक की और सत्ता का जो आपके पास ताकत है उसका मिसयूज कर रहे हो और जनता की आवाज को बंद कर देना चाहते हो। इसका मतलब आपका आपका रवैया तो वही हो गया ना, तानाशाही, साफ साफ तानाशाही रवैया हो गया। और मजेदार बात यह है कि जो लोग अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो पत्रकार लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है अभी भी सरकार के साथ हों, या जो नेता भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को, हो सकता है सरकार का साथ दे रहे हों, या हो सकता है कुछ आईएएस या ब्यूरोक्रेट इस बात को नहीं समझ रहे हों, सरकार के साथ दे रहे हों, वो शायद ये भूल रहे हैं कि समय उनका भी आएगा। जब आज इस तरह की घटनाएं, जब सरकार की नीयत ऐसी हो जाती है, जब सत्ता की नीयत ऐसी हो जाती है, तो वो सत्ता में काबिज जो मदमस्त आदमी हो जाता है, सत्ता का जिसका नशा जिसके ऊपर हो जाता है, वो छोड़ता किसी को भी नहीं है। क्योंकि आपकी अंतर आत्मा की कहीं ना कहीं तो बात कहोगे ना आप, जैसे आप अंतर आत्मा की बात बोलोगे, सच बात बोलोगे, वो सच सरकार के खिलाफ जाएगा। तो यहाँ पावर का कहीं ना कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अनिला सिंह, नेता बीजेपी भी जुड़ चुकी है। अनिला जी, अगर एक पत्रकार भूख से पीड़ितों का दर्द दिखाता है तो वो उसको महंगा क्यों पड़ जाता है? क्या सच बताना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल सत्य बताना चाहिए। परंतु अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर वो सत्यता बयान कर रहे हैं और उस व्यक्ति को लगता है कि उसके विषय में या जो उसने कहा है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया है कि वो मुकदमा दर्ज करे। तो अगर इस प्रकार का कदम उठाया गया है तो वहां पे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो माला देवी से पूछे ना, डोमरी गांव जाएं, माला देवी से पूछें कि भाई क्यों आपने ऐसे कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो एफआईआर नहीं लिखवाई है ना सुप्रिया शर्मा से। अब देखिए, अभी मैं सुन रही थी अनुराग भदौरिया जी को, सुन रही थी किस प्रकार से धमकी देने की बात कर रहे थे, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि हम कि अगर कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तब हम देखेंगे। ये भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने कहां बोला भाई? अनुराग जी जवाब दीजिए, अनिला जी पूछना चाह रही हैं। अनुराग जी ने कहा कि हम समय आएगा जो अधिकारी और इस प्रकार के लोग, समय ऐसा भी आएगा कि जो आज साथ दे रहे हो ये सरकार उनके भी खिलाफ हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि सरकार बदलने की बात, मैंने कहा जो सरकार जिन अधिकारियों का, जिन पत्रकारों का, जिस जनता का मिसयूज करती है या जनता यूज होती है, कल उसके खिलाफ ही सरकार। क्योंकि जब आप तानाशाही रवैया पे अपनाए तो आप भाई आपको आज मेरी जरूरत है, मुझे यूज कर लिया, कर उसकी जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे। तानाशाही यही तो करता है कि मैंने छोड़ता किसी को थोड़ी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये मुखालफे में है या ये गलतफहमी में है कि मैं सरकार की मदद करूँ और सरकार मुझे इनाम देगी, सरकार इनाम नहीं देगी, कल तुमको भी यही आईना दिखाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज के अंदर में जो तानाशाही करेक्टर रवैया वो खत्म होना चाहिए, स्वस्थ परंपरा रहनी चाहिए। हर किसी के ऊपर में एफआईआर सॉल्यूशन नहीं होता है। मान लीजिए अनिला जी यहाँ काफी समय से ये चीज भी देखी जा रही है कि जहाँ प्रशासन या सरकार पर सवाल उठाने वाली खबरें
सामने आती हैं तो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। यूपी का ही अगर हम केस ले लें तो वहां 55 पत्रकारों को भी अंदर डाला गया था लॉकडाउन के दौरान, या उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो यहां पर यूपी पुलिस का ही बात लेती हूं मैं, यहां पे काफी तेजी दिखाती है यूपी पुलिस। नहीं, यूपी पुलिस तेज हो गई है क्योंकि यूपी पुलिस को अब गुंडा राज समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जहां तक सुप्रिया शर्मा जी का विषय है, तो मैंने जैसे कहा कि डोमडी जो गांव है वहां की जो माला देवी है जिसकी स्टोरी इन्होंने बनाई है, ये उन्होंने एफआईआर करी है। और समाजवादी पार्टी क्या हमें पाठ पढ़ा रही है, ये लोग तो गोलियों से भूनने वाले लोग हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर नहीं करवाई है, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने एफआईआर करवाई है। और ये अगर एफआईआर नहीं होगी तो ये कहा जाएगा कि भी दलितों की तो आवाज ही नहीं सुनी जाती है, यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। तो अगर उन्होंने जो अधिकार माला देवी का है, अगर उन्होंने उसको यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो यूपी पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ, एक दलित महिला आई जिसकी स्टोरी एक गलत ढंग से, तो एक दलित महिला जाकर पुलिस स्टेशन जाती है, एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जबकि जब वो पत्रकार स्टोरी करने गया होगा तो शायद माला देवी ने ही उनको ये बात बताई होगी कि हमें खाने को राशन नहीं मिलता है। शायद अपने आप से पत्रकार कोई नहीं लिखता, हम तथ्यों पर काम करते हैं, हम फैक्ट्स पर काम करते हैं। अनिला जी, अनुराग जी, आपसे एक लास्ट टिप्पणी चाहूंगी। ये जो दलित इन्होंने बात कही है कि यहाँ पर केस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दलित महिला ही जा रही है और वो केस दर्ज करवा रही है, यानी मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति, जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे दलित की बात शब्द यूज किया अनिला जी ने। मैं अनिला जी से पूछता हूँ, आजमगढ़ में जब आपके जिलाध्यक्ष ने दलितों को जाके उसके घर में उनके बेटों को कूटा पीटा, तो क्या एफआईआर हो गई क्या उनके ऊपर में? देश जो आप एनएसए लगाते हैं, जौनपुर का विषय भी बता दीजिएगा अनिला जी, जौनपुर का विषय भी जरा बता दीजिए, किस प्रकार से आपके नेता ने वहाँ पे व्यवहार किया है? वो तय करते हैं अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और समाज जब टूटता है तो नुकसान हमारा आपका ही होगा और किसी और का नहीं होने वाला है। ये लोग तो अपना महज थोड़ी सत्ता के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी हम कहने रहे चापलूसी के लिए, क्योंकि एक चापलूसी शब्द भी तो बहुत तेजी से आया है ना इस समय। चलिए अनिला जी, अनुराग जी, ये यहाँ पर भिड़ने का या तू तू मैमे का कोई विषय नहीं है, ये एक पत्रकार की फ्रीडम ऑफ प्रेस का यहाँ पर विषय है, एक फ्रीडम, एक लिबर्टी जो वो लेता है और जाकर चीजें सही तस्वीरें सामने रखता है, वो बहुत बड़ा इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहाँ प्रशासन सरकार पर यहाँ सवाल उठाए गए, सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है यूपी के एक थाने में।